हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं नदीम ऑनलाइन सेंटर। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले नवोदया विद्यालय समिति के बारे में, इसका वैकेंसी आ चुका है। इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है वो हम आपको बताते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए में वैकेंसी देख सकते हैं। कैटेगरी जनरल में 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के 1 वैकेंसी है और एसटी में 1 वैकेंसी है। टोटल इसमें 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए में देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 2 वैकेंसी है और किसी में कोई वैकेंसी नहीं, सिर्फ कैटेगरी जनरल में 2 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी में देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 35 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल में 22 वैकेंसी, एससी में 12 वैकेंसी, एसटी में 6 वैकेंसी, टोटल 82 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी में देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी, एससी में 1 वैकेंसी है और एसटी में 1 वैकेंसी है। टोटल यहां पर 10 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी में देख सकते हैं, यहां पर कैटेगरी जनरल में 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, एससी में 5 वैकेंसी और एसटी में 1 वैकेंसी है। टोटल 11 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर में देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, टोटल यहां पर 4 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में यहां पर देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 6 वैकेंसी है, एससी में 3 वैकेंसी, एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, टोटल 22 वैकेंसी है। यहां पर बहुत सारे वैकेंसी दिए गए हैं, आप इसे अच्छा से रीड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें उसके हिसाब से। कंप्यूटर ऑपरेटर में यहां पर ग्रुप सी में देख सकते हैं, कैटेगरी जनरल में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, टोटल यहां पर 4 वैकेंसी है। यहां पर बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, कम से कम 10 से 12 पोस्ट दिए गए हैं। आप क्वालिफिकेशन और आपका कैटेगरी, मतलब किस पोस्ट में आप एलिजिबल है, उसे देखकर ही फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में दिया गया है एमटीएस पोस्ट के लिए, यहाँ पर कैटेगरी जनरल में 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 5 वैकेंसी, एससी में 1 वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर 23 वैकेंसी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के, तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट और कमिश्नर में देख सकते हैं एज लिमिट, अपर एज लिमिट 45 इयर्स है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड इसमें होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स में यहाँ पर देख सकते हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 इयर्स दिया गया है, इसमें 12 प्लस पास चाहिए, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में देख सकते हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल तक एज लिमिट दिया गया है, इसमें आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। ऑडिट असिस्टेंट में देख सकते हैं, 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट दिया गया है, इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन पास। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में देख सकते हैं, अपर एज लिमिट 32 इयर्स तक है, साथ ही साथ इसमें मास्टर डिग्री के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। स्टेनोग्राफर में यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ 18 से 27 साल तक एज लिमिट है और यहाँ पर 12 क्लास पास है, साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड पता होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट मांग रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल तक है, इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम मालूम होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा। लैब अटेंडेंट में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट दिया गया 18 से लेकर 30 साल तक, इसमें 10 क्लास पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा का लैबोरेटरी टेक्निक मालूम होना चाहिए। एमटीएस पोस्ट में यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 10 क्लास पास चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी को यहाँ पर 5 ईयर का छूट दिया जा रहा है, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि जिसको जिस हिसाब से गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से छूट दिया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का देख सकते हैं 93 सिटीज दिया गया है, आपको जो पसंद आए उस हिसाब से आप एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो एससी एसटी पीएच कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर में और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन में यहाँ पर 1500 रुपया लग रहा है, फीमेल स्टाफ नर्स में यहाँ पर 1200 रुपया लग रहा है और भी बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, उसके लिए 1000 रुपया लग रहा है। लैब अटेंडेंट में और यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपया लग रहा है, लेकिन एससी एसटी पीएच कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। बाद बाकी कैटेगरी जनरल ओबीसी जो है उसको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगा। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट की अगर बात करते हैं तो 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट रखा गया है। इसका फीस क्लोजिंग डेट भी वही 10 फरवरी तक है, यानी कि ये ऑनलाइन पेमेंट है, आपको डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, इसका कोई भी चालान पेमेंट नहीं है। इसमें एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक इसका एग्जाम लिया जाएगा, वो कोई भी डेट में हो सकते हैं आपके एग्जाम। यदि आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले पता चल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।